से पहले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये बताएं कि उनके पास आपके लिए क्या सौगातें हैं इस बार, जब ये अंतरिम बजट आप सुनेंगे तो क्या क्या किस वर्ग के लिए हो सकता है, ये जरा जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास एक्सपर्ट से मैं आपका परिचय करा देता हूँ। शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। एस के दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा योगेंद्र कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं। लोकेश जिंदल जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़ रहे हैं। और हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं हिमांशु और श्वेता मेरी सहयोगी, ये वो दोनों ही आपको ये बताएंगे कि किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं और साथ ही आज असल में जो घोषणाएं होने वाली हैं उनको लेकर पहले से कितना उत्साह है या उदासीनता देखने को मिल रही है। पहले मैं जरा शहजाद के पास जाऊं क्योंकि शहजाद के पास कुछ हो सकता है ऐसा आपको बताने के लिए जो आपको भाषण में भी जिसका रिफ्लेक्शन सुनने को मिले। शहजाद बहुत उम्मीद की जानी चाहिए या अंतरिम बजट के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाया गया इसके दो महत्वपूर्ण सूत्र है। एक है ज्ञान जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया है, गरीब युवा अन्नदाता और नारी, और नारी शक्ति की एक तस्वीर भी दिखी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी पहुंची। और दूसरा है गीता। अब गीता सुनकर कुछ लोगों के कान जो है वो धुआं धुआं हो सकता है। गीता का मतलब है ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। जी फॉर ग्रोथ का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 10वें से 5वें स्थान पर जा रही है, जिस प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुकी है। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, दुगने रफ्तार से हाईवे, दुगने रफ्तार से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिस प्रकार से हमने जो बड़े बड़े अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। टी फॉर टेक्नोलॉजी डिजिटल सेतु का आपने एक देखा है कि यूपीआई हो चाहे कोविन ऐप हो चाहे डिजिटल पेमेंट गेटवे हो। मैं आपसे यह कहूंगा कि कुछ ऐसा बताइए कि किस वर्ग को क्या राहत आज मिल सकती है। गीता और ज्ञान आपने जो दिया ये हमारे दर्शकों ने भी दिया, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। अरविंद मोहन जी के पास होकर आऊं। अरविंद मोहन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपसे मुखातिब होना हमेशा से बड़ा एनलाइटनिंग होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं इस बार जैसे 2019 में हमने देखा था कुछ एक घोषणाएं ऐसी थी जो परंपरा के हिसाब से अंतरिम बजट की वाली घोषणाएं नहीं थी, वो असल में बड़ी घोषणाएं थी। क्या इसी तरीके का कुछ इस बार हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी घोषणा फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होगी, मुख्य बजट में आएगी। लेकिन ये आप जरूर देखेंगे कि सरकार इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ेगी कि किसानों के लिए हम ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि इलेक्शंस भी नजदीक हैं तो एक दिशा दिखाने की कोशिश जरूर होगी और देश को एक भरोसा देने की कि हम ये काम आने वाले समय में करेंगे, ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप देखेंगे। क्या एक क्लू वहां से भी मिलता है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहां से इस संसद से पास किया, अब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति जो हैं और निर्मला सीतारमन वो वित्त मंत्री के तौर पर इसको पेश करने वाली हैं, तो क्या कम से कम स्त्री शक्ति के लिए बजट में भी कोई अलग से प्रावधान हम देख सकते हैं? क्या इस बात का इशारा वहां पर है? अब जरा इसको हम हमारे साथ जुड़ने वाले योगेंद्र कपूर जी के पास लेकर चले। योगेंद्र कपूर जी, लोग ये भी सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रहा है इस सब के बीच में? देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा इस बजट के अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक एरिया जो मैं जरूर फील करता हूं कि जिसमें शायद गवर्नमेंट जरूर कंसिडरेशन करेगी और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है वो एक सैलरीड क्लास जो है उसको जो है बेनिफिट करेगी कि 50,000 से बढ़ा के वो 1 लाख एटीसी एटीसी में कुछ और अक्रॉस बेनिफिट एटीसी की लिमिट बढ़ेगी क्या 2.5 लाख तक, ऐसा कुछ सोचा जाए क्या? देखिए ये अगर मैं मानता हूँ कि जो ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं और जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं वो गुड इनफ हैं, उसमें फर्दर टिंकरिंग मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जैसे मैंने बताया आपको, इसके अलावा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है एक बिलीव करती है कि किस तरीके से पैसा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे जिससे कि वो वापस इकोनॉमी में यूज़ हो, तो मैं एक एरिया और फील करता हूँ कि जो हमारा एक सेक्शन 80C है जिसमें टैक्स सेविंग्स होती हैं वो 1.5 लाख से बढ़ा के, काफ़ी टाइम से वो 1.5 लाख पे स्टक है, उसको जो है 2 लाख करना चाहिए क्योंकि जो एडिशनल एक टैक्स सेविंग किसी के हाथ में भी जो आएगा पैसा वो जो है अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बेनिफिट करेगा बूस्ट करने में। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आए इसके लिए सरकार कोई कोशिश कर सकती है, हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और हो सकता है एटीसी वाले में लिमिट बढ़ाए जाने के संदर्भ में आप कुछ चेंजेस देखें।
हालांकि अरविंद जी का कहना यह है कि बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद रखकर आप बजट को ना देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मैं पहले अब लोकेश जी से यह समझ लूं कि गीता का ज्ञान उनको कैसा लगा। देखिए, वर्तमान स्थिति केंद्र सरकार की कैसी है, अगर मैं डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करता हूं, 54% का डेट जीडीपी रेशियो है और जो निर्धारित करना चाहिए वो है 40%। तो कोई बहुत ज्यादा एल्बो रूम नहीं है सरकार के पास में कि वे कोई ऐसी नीतियां लेकर आए। और पहले भी हमने देखा है, सरकार ने नरेगा का आउटले कम किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, भले ही आंकड़े बड़े हो लेकिन प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज टू जीडीपी, वो घटा है। तो इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तरह से स्लैब्स को थोड़ा सा हेर फेर कर सकती है ताकि एक तरह का साइकोलॉजिकल जो है बूस्ट दे। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं लोकेश, आपने जो बात की शुरुआत की, आपने कहा कि बहुत एल्बो रूम नहीं है, और अगर ऐसा है तो अगर आप बहुत बड़ी वैसी घोषणाएं नहीं देखते तो आपको कोई हैरत नहीं होगी और आप बहुत क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ सर, आपकी बात समझूंगा। लेकिन यहाँ श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। गृहिणियां देखिए हमेशा की तरह, और इस बार क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और द्रौपदी मुर्मू और ये तमाम इशारे प्रधानमंत्री के अपने स्टेटमेंट में है कि हो सकता है नारियों को लेकर कुछ और विशेष घोषणाएं सुनने को मिले, क्या ये महिलाएं भी सोच रही हैं वहां आपके साथ जो मौजूद हैं श्वेता? बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश, की महिलाएं बिल्कुल देखिए इंतजार कर रही हैं बजट का, और इन्हीं से फटाफट से जान लेते हैं कि क्या उम्मीदें इनकी हैं। समीक्षा, सबसे पहले आप बताइए क्या उम्मीदें बजट से लगा रही हैं आप? हेलो, जैसा कि मैं एक डॉक्टर हूं और एक वर्किंग वुमन हूं, तो मैं चाहती हूं कि जो हम महिलाओं को अपने लघु उद्योग शुरू करने के लिए लोन मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री हो, जिससे कि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके और अपने अपने छोटे छोटे कामों को शुरू कर सके। बहुत अच्छा, कुछ और महिलाएं भी हैं। प्रीति, आपकी क्या उम्मीदें हैं किचन का बजट को लेकर के, कुछ सवाल में? एज अ हाउसवाइफ, हमारा किचन बजट में आ जाए, हमारे एज इनकम तो लिमिटेड होती है, उसमें सिमट जाए, हमारी कुछ सेविंग्स भी हो जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं संध्या, तो ऐसे में उम्मीद है कि नारी शक्ति के लिए कुछ खास होने वाला है इस बार बजट में? बिल्कुल, नारी शक्ति के लिए तो होना ही चाहिए। इनफैक्ट नारी के वो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए। मेरा और भी ये है कि बढ़ते हुए डे बाई डे स्कूल फीस स्ट्रक्चर को भी रोकने के लिए विशेष प्रावधान। बिल्कुल, आप बताएं पिंकी क्या सोचती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि किचन का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों की सेहत पे हम उनके पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रख सके और उनका जो रेट वगैरह है बहुत अच्छे से। विद्या जी, आप तो हमने गृहणियों को सुना, अब जरा शारदा यूनिवर्सिटी चलते हैं। श्वेता भट्टाचार्य वहां मौजूद हैं स्टूडेंट्स के बीच में। श्वेता, बहुत जल्दी से इनसे बात अगर आप करके हम तक पहुंचा सके। बिल्कुल दिनेश, बिना वक्त गवाए सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं क्योंकि इन्हें बजट से कितनी उम्मीद है, फिलहाल हमसे उम्मीद है, एक मिनट का वक्त जरूर दीजिएगा, बजट से क्या उम्मीद है क्योंकि युवा शक्ति है आप, आज अंतरिम बजट पेश हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का जैसा कि मोदी जी का सपना है और वो बहुत हद तक सफल भी हो रहा है, उसके तहत स्वरोजगार की जो मतलब की चीजें हैं वो किस तरीके से मतलब की और उसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से इसके लिए इस पे फोकस, आप बताइए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में और इतने पेंडिंग केसेस जुडिशियरी हैंडल नहीं कर पा रही, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पा रहे, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग से एलोकेट होना चाहिए। आप बताइए। मैम, युवा फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो हमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टार्टअप करने के लिए, लोकल पे जोर होना चाहिए। मैम, जैसे कि युवा पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री आज के समय में काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ओके, और उस इंडस्ट्री में हमें काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दिनेश सुन रहे हैं आप, देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, गेमिंग की भी बात हो रही है, एआई टेक्नोलॉजी की भी, कुछ युवा मेरे से बात कर रहे हैं। आप क्या? मैम, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स वगैरह, तो उसको बेनिफिट करने के लिए लोकेशन होनी चाहिए जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सेट्रा, मतलब बजट अलग अलग एलोकेट हो उन सेक्शंस में ताकि युवाओं को फायदा हो। आप क्या चाहती हैं? मैम, जैसे हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो बजट में कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ये कितने सारे युवा और कितने सारे अपने ही में ही, आप ये देखिए श्वेता की ये स्टूडेंट्स कितने जागरूक हैं और किन किन जगहों पर एक बड़ा इंतजार बड़े दिनों से चल रहा है, खासतौर से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही गई उस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले हिमांशु के पास चलता हूं, देखिए खेतों के बीच से मुस्कुराते हुए हिमांशु लगता है मुझको अन्नदाताओं के साथ खड़े हुए हैं। हिमांशु, बिल्कुल देखिए, महिलाओं की बात हुई, छात्रों की बात हुई, लेकिन किसानों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो गाजियाबाद के डिंडौली गांव में हूं और खबर जैसे ही ये पता चली कि आज अंतरिम बजट आने वाला है, देखिए यहां पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी लोगों को भैया राम राम। पहले देखिए, अब ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं, बजट आने वाला है, कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ मिलेगा आपको?
हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं बजट का, हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई, किसान है तो बजट बजट तो हमें भी चाहिए ना सरकार से। चाहिए क्या ये बताइए। देखो हमें ये चाहिए, एक तो हम ये चाह रहे हैं कि हर किसान पर अब उतनी जमीन नहीं रही ना। जमीन बहुत कम होगी, 5-10 बीघे का औसत से ज्यादा अब किसान पे जो है जमीन नहीं है, और उसमें वो कितनी भी बढ़िया खेती कर ले उसका परिवार का वो नहीं चलता। तो एक तो किसान जो है ये जो बिजली सरकार देती है ना हम लोगों को, वह बिजली बिल्कुल माफ कर दे किसानों के लिए। हाँ, और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। 12 के मीटर उतरने चाहिए कायदे में बिजली के। हाँ, जो और सरकार से कुछ उम्मीद लोन से लेकर बाकी चीजों में। हाँ सरकार से उम्मीद है, गन्ने पे थोड़े पैसे बढ़ाए, थोड़े से और बढ़ा देते, गन्ने पे थोड़े से और पैसे बढ़ा देते। क्या चाहिए और। हाँ 15 रुपए बढ़ाई देंगे और। हाँ और पैसे बढ़ा दिए, आप बताइए क्या चाहिए जाए, गन्ने की कीमत और बढ़ा दी जाए, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हमको बिजली एकदम फ्री कर दी जाए, और ये कहा जा रहा है मार्जिनलाइज किसान की बात होती है, और वो यही कह रहे हैं कि ज्यादातर किसान अब छोटे किसान है और उनकी तो बिजली एकदम छोड़ देनी चाहिए, माफ कर देनी चाहिए। डॉक्टर सुब्र कमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर दत्ता। बड़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को, वो शायद वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, इस बात का ख्याल रखे बगैर ये नॉर्मल बजट का टाइम, क्योंकि फरवरी याद दिलाती है, वो बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए हैं तमाम सेक्शन आप देख रहे हैं। बेशक पाले हुए हैं सबको, सबसे पहले राम राम। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मोदी सरकार जी के बजट, अगर तमाम बजटों का आकलन अगर किया जाए तो हमेशा एक दूरगामी दिशा और गति दिखाई दिया है। ये ज़रूर है कि ये वोट ऑन अकाउंट है तो ये फुल फ्लेज्ड बजट तो हो नहीं सकता है, पर क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है तो मेरा मानना है कि इस पे कई सारी चीज़ों पे शायद सरकार की एक दिशा और गति दिखाई देगी, खास करके कृषि के क्षेत्र में, घरेलू और छोटे उद्योग के क्षेत्र में। उसके साथ साथ मेरा मानना है कि मिडिल क्लास और जो लोअर सेक्शन की सोसाइटी है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट का पूरा रूपरेखा तैयार होगा। मतलब मिडिल क्लास को खासतौर से टैक्सपेयर्स को कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उम्मीद होगा। इकोनॉमिस्ट भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर आप इस पर थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि आपको ये होता हुआ दिखाई देगा बजट में भाषण के दौरान। बहुत वक्त नहीं बचा है हालांकि इस सब के लिए। ज्योति मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हालांकि वो फोन पर अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। ज्योति, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको, आप किस वर्ग के साथ वहां खड़ी हुई हैं और वो क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं इस बार बजट में। बिल्कुल, देखिए अभी आपकी आवाज मिल रही है मुझे, मैं गरीब वर्ग के साथ मौजूद हूँ। देश का वो बड़ा तबका जो न सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक है बल्कि जिनके उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे भी किए थे, और 80 करोड़ गरीबों को पिछले दो बार के टर्म में उन्होंने मुफ्त राशन की बातें कही थी। तो ये दिहाड़ी मजदूर है, रोजी रोटी के लिए रोज सुबह घर से निकलते हैं। आज सुबह बारिश हो रही थी, परेशान थे कि काम मिला तो कमाई होगी, काम नहीं मिला तो फिर ऐसे ही खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। लेकिन कितने खुश हैं, आज बजट आएगा मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है गरीब को। वो हमारे पक्ष में ही बात करते हैं, जब देखो सबका साथ सबका विकास, और सिलेंडर से लेके और अस्पताल से लेके सारी चीजें उन्होंने व्यवस्था बढ़िया की है, गुंडा राज हटाया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे ये हक में करेंगे। आप लोगों को मुफ्त आवास, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। हाँ मिल रहा है जी, मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है जी। कितना कमा लेते हैं रोज। रोज 500-600 रुपए कमा लेते हैं, घर परिवार हमारा अच्छा चल रहा है, राम राज्य है, राम राज्य आएगा। ये बड़ी बात है कि देखिए इस सेक्शन से जुड़े हुए लोग राम राज्य अगर महसूस कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है शहजाद, और ये क्रेडिट में जाता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए जो काम किया है, जैसे कि आज आप देख सकते हैं 11 करोड़ लोगों तक नल से जल, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय, हर घर में जिसमें शौचालय पहुँचा है वो 70,000 रुपये प्रति साल बचा रहा है हेल्थ एक्सपेंडिचर में, जन औषधि केंद्र, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर। तो मुझे लगता है कि गरीबों के लिए जिस प्रकार का काम हुआ है, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम हुआ है, इसलिए 10वें से 5वें स्थान पर जा रहे हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज स्थिति में आ चुके हैं, और हमने यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक कर लिया, बहुत जल्द हम 3rd स्थान पर पहुंचने वाले हैं। फिर हम देखते हैं किसानों के लिए, तो अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी का, मैं केवल आपको वीट एंड राइस का बता रहा हूं, यूपीए के 8 साल में उन्होंने 5.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी दी थी वीट राइस पर, उसको बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। एग्रीकल्चर बजट 5 गुना बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दी गई है। तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतना सब कुछ किया गया है तो मतलब बहुत ज्यादा स्कोप आगे नहीं दिखाई दे रहा है, या है बहुत ज्यादा रूम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें किया जाना है।
देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिटारे में हमेशा से आम आदमी आम जनमानस के लिए कुछ ना कुछ निकलता ही है, तो मुझे तो लगता है कि आम जनमानस के लिए पिटारे से फिर भी निकलेगा जी। मतलब ये कि पहले बहुत कुछ किया गया है, आगे भी बहुत कुछ किया जाएगा, ये उम्मीद पाली जा सकती है। लेकिन अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, ये दो तीन महीने के लिए खर्चे चलाने के लिए यहाँ पर असल में परमिशन ली जाती है एक तरीके से संसद से, क्या इस पर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाली जानी चाहिए? इस पर चर्चा जारी है। लोकेश जिंदल कह रहे थे कि नहीं, क्रिटिसाइज तो करेंगे, किन बातों पर क्रिटिसाइज करेंगे उनसे हम समझेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। किस सेक्टर को कितनी उम्मीदें हैं, किस सेक्टर को क्या मिल सकता है, कितना स्पेस है सरकार के पास और एंटरिम बजट में कितनी आपको उम्मीदें लगानी चाहिए, हमारे विशेषज्ञों के साथ हम इसी विषय पर कर रहे हैं चर्चा। बजट पढ़ा जाना आप कुछ ही देर में शुरू किया जाने वाला है, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री जैसे ही वो शुरू करेंगी हम आपको उधर ले चलेंगे। लेकिन फिलहाल आइए मेहमानों के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंतरिम बजट कुछ ही देर में पेश होने वाला है, आप सब जानते हैं वित्त मंत्री इसे पेश करने वाली है, लेकिन लोकेश जिंदल के पास चले और उनसे ये पूछें कि वो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत एल्बो स्पेस नहीं है, फिर क्रिटिसिज्म के लिए उनको कहां स्पेस दिखाई दे रहा है। लोकेश जिंदल आपको आवाज मिल रही है मेरी? 22-2023 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि बजट एस्टीमेट जो एमजी नरेगा का था वो कम था, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट बढ़ गया। लेकिन इसके बावजूद 2023-24 के बजट में सरकार ने केवल और केवल 60,000 करोड़ का अनुदान दिया एमजी नरेगा के लिए, जो कि बहुत गलत था। और इस बार भी एमजी नरेगा में फंड आउटले को लेके काफी रोष था, बंगाल में रोष था, काफी राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी उन्होंने कंप्लेन की है कि एमजी नरेगा का फंड आउटले दिया नहीं गया है। और वर्तमान स्थिति जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट को देखा जाए और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सभी अर्थशास्त्री अग्री करेंगे कि एमजी नरेगा यहां पर बहुत अहम है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। सरकार अगर इस पर सीरियस होती तो पिछले बजट में ही इसका बजट एमजी नरेगा को लेकर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, ये एक बात कही जा रही है। शहजाद पूनावाला जवाब देने के लिए तत्पर है, लेकिन एक ये चर्चा आगे जा रही है, हाजिर होते हैं। बजट में क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, किसके लिए गुंजाइश नहीं है, ये चर्चा आगे भी जारी। ये तमाम सेक्टर्स जो आप देख रहे हैं आज, इनको बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं। अनंत मेरे साथ जुड़ गए हैं, असल में तो हम लोग भी सैलरीड क्लास हैं और आज कितनी उम्मीद की जानी चाहिए। अभी डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता कह रहे हैं कि कुछ उम्मीद इस बार सैलरीड क्लास कर सकता है, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में, क्या ITC में, लोग असल में ये जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले 5 मिनट बाद पेश होने वाला है अंतरिम बजट टाइम्स नाउ नवभारत पर, आप हिंदी में सुनेंगे ये बजट। 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये बजट। 5 से 6 मिनट का वक्त दिनेश जी अभी बचा हुआ है कि जब हमारी जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी उम्मीदें हैं, जो कि हम लोग सोच कर चल रहे हैं कि बजट में क्या होने वाला है, क्या मध्यम वर्गीय क्लास के लिए कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं, किसानों के लिए कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, जैसा कि मौजूदा सरकार का ट्रेंड दिखा है पिछले कुछ सालों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया, तो क्या उसके लिए कुछ चीजें हो सकती हैं, और जो पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल GST पर क्या कुछ कमी की जा सकती है, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको कि आम आदमी मन में रख करके बैठा है कि जब वित्त मंत्री का ये पिटारा खुलेगा तो इसमें से क्या क्या चीजें बाहर ऐसी आएंगी, जो कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी मुझे चेहरे पर मुस्कान लाए या कुछ ऐसी जो माथे पर शिकन भी लाए। पेट्रोल और डीजल को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, इसकी कीमत का सीधा लेना देना होता है महंगाई से जी। तो क्या महंगाई, जैसा कि एक तबका ये लगातार कहता रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसको लेकर अब कर्व करने के संदर्भ में कुछ किया जाना चाहिए,
एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर सुब्र कमल दत्ता का इस पर लेता हूं। डॉक्टर दत्ता, क्या इस लिहाज से कुछ उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, जीएसटी पे ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्जा भी किस तरह का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पेट्रोल की भाव कितना है, वो सारी चीज़ों का आकलन करते हुए। पर फिर भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत शायद गुंजाइश हो सकती है कि थोड़ा बहुत छूट के लिए। पर महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये दुर्गामी बजट होगा, मेरा मानना है। बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, मैं वापस आपके पास लौटूं, आपके पास विश्लेषण के लिए आते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर ये कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट अच्छा होगा और बजट देश के लोगों के लिए बढ़िया होगा। ये औपचारिक अनुमति कैबिनेट से ली जाती है। उसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लोगों के लिए बेहतर बजट होगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। लेकिन फिर बात धीरेज घूमकर वही आ जाती है कि देश के लिए बेहतर होगा, लेकिन कौन सा वो सेक्टर होगा या क्लास होगा जिसको कि सबसे बेहतर तरीके से इस बजट में एड्रेस किया जाएगा। अभी एमजी नरेगा जिस पर हाईलाइट किया जा रहा था अभी लोकेश जिंदल की तरफ से, और उस पर शहजाद कुछ ऐड करना चाहते हैं। वो एक ऐसी योजना है जो बहुत सारे लोगों को छू कर जाती है, और लोगों के हाथ में अगर पैसा है देश की इकोनॉमी में वो डालेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, एक मसला है। एक सवाल जो उठाया गया शहजाद, इसका जवाब देखिए, हम लोग जब बात करते तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहिए। 60,000 करोड़ जो बजट एमजी नरेगा का है इस बार, ये एनडीए में सबसे हाईएस्ट है। यूपी में कभी इतना बजट नहीं रहा, कोविड में और भी बढ़ाया गया था। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, परसेंटेज जनरेटेड अंडर मनरेगा 2013 220 करोड़, और आज 250 करोड़ है। मतलब ज़्यादा लोगों को वो मनरेगा में रोजगार मिला है और दिया गया है। अब उन्होंने कहा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, उस पर भी मैं आंकड़ा गिनाना चाहता हूँ। महंगाई का दर CPI इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन 10% 2013 में, आज है 5.5%। और पहले एमजी नरेगा वाले बात पर जवाब ले ले, लोकेश कुछ कहना चाहे। नहीं, एमजी नरेगा वाले पर मैं ये भी बता दूं, मैं कुछ बातें कर रख दूं सामने, दर्शकों पूरा जवाब ले बातें रखना चाहूंगा। पूरा जवाब ले लो ना, पूरा जवाब। शहजाद जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। और उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला। दिनेश जी, मैं अपनी पूरी बात आ रहा हूं, शहजाद इसके फौरन बाद आप ही के पास आ रहा हूं, इनकी बात ले लेते हैं। हां कहिए। देखिए, अगर मैं एक बजट की बात करता हूं, बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट, ये दो बहुत अहम पहलू होते हैं। 2022-23 की अगर मैं बात करता हूं, उसका बजट एस्टीमेट कम था, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट एमजी नरेगा का ज्यादा गया था। इसके बावजूद भी सरकार ने 2023-24 में एमजी नरेगा का बजट एस्टीमेट जो था वो 80,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया, और उसके बाद में भी मिनिस्ट्री ने लगातार इस पूरे वर्ष में एमजी नरेगा का टोटल आउटले कम दिया है, मतलब जवाब देता हूँ। मेरे इर्द गिर्द अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, समय समाप्त हो जाएगा, सुन लेते हैं, आपको कुछ उस पर काउंटर करना होगा तो आपके पास वापस हम लोग आ जाएंगे। लोकेश जी, शहजाद, मनरेगा का बजट यूपीए शासनकाल में 35,000 से 40,000 करोड़, ये एनडीए, प्लीज बाबा बीच में मत बोलिए आनंद जी, एक एक करके बात करते हैं। ये बजट बढ़कर 60,000 करोड़ हुआ जब कोविड में बाकी सारी चीजें बंद थी और लोगों के लिए रोजगार का केवल वही एक विकल्प था, तो 80,000 करोड़ करना पड़ा। पर जब बाकी की चीजें रूरल इकोसिस्टम में खुल गई तो वो नॉर्मल बजट पर आ गया अपने। परंतु भाई क्या तरीका है, प्रधानमंत्री ने कहा है ना अच्छा होगा और बढ़िया होगा, इसको डिकोड करते हैं, अरविंद जी के पास चलते हैं। आता हूं डॉक्टर दत्ता, आपका इशारा देख रहा हूं, अरविंद जी के पास चलते हैं। अच्छा होगा, बढ़िया होगा को डिकोड कैसे किया जाए? अरविंद जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं जिन पर पिछले कुछ बजट में फोकस रहा है, वैसे ही फोकस आप इस बार भी देखेंगे। विशेष रूप से आपको रूरल डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर पर फोकस दिखाई देगा, गति शक्ति या लॉजिस्टिक्स लाइंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने पर फोकस दिखाई देगा, और स्वास्थ्य और शिक्षा पर। नहीं, अभी तक जो था 2.5 लाख ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में 3 लाख तक का एग्जिम्पशन था, अब उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। हाँ। तो लगभग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां पार्लियामेंट से, अमित कुमार। अमित, किस किस बात का सबसे ज्यादा जिक्र या चर्चा हो रही है बजट अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था इस बार, कई सांसदों से मुलाकात हो रही है, सदन के भीतर ही हूँ वहां पर, सबका ये कहना था कि प्रधानमंत्री का जो विजन था वो दिखा है कि हम लोग जो अनाउंसमेंट की जगह डिलीवरी पर भरोसा करें, और इस बात को लेकर था कि प्रधानमंत्री का ने ये बात कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कही भी थी
कि जो बजट होगा वो सबके लिए होगा, सबके हित का होगा। और ये जो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है चुनाव से पहले, उस तरह की का ये बजट नहीं होगा। ये प्रो पीपल होगा, लेकिन ऐसा बजट होगा जिसमें हम डिलीवर कर सके। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे बजट में इस बात का सारा जिक्र था कि यूनिवर्सिटीज से लेके ITIM से लेके तमाम उन चीजों का जिक्र था कि कैसे भारत को एक उस पोजीशन पर पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर अभी तमाम सांसदों के बीच में ही मैं खड़ा हूँ, वहां पर तमाम लोग का यही कहना था कि बजट को जैसे की उम्मीद की जा रही थी कि हमारा फोकस मोदी की गारंटी पर ज्यादा है, कि मोदी का जो गारंटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वही जो है इस चुनाव में भी जनता के बीच होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब एक बार फिर से अरविंद मोहन जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ नहीं अभी। और अमित जो जानकारी दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि हर एक वर्ग को आखिरकार लाभान्वित करने वाला ये बजट होना चाहिए, लेकिन लोक लुभावन तरीके से फौरन ही कुछ शॉर्ट टर्म में उनको गेन हो ऐसा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके लिए सब हर एक वर्ग के लिए ये कल्याणकारी बजट हो, ऐसा कहा गया था और यही माना जा रहा है कि हुआ है। अरविंद जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अरविंद जी, तो ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए ये जो बात आपने कही, क्योंकि टैक्स पेयर के लिए एज सच तो ये बजट कोई रिलीफ देने वाला हो ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, वैसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इंटरिम बजट में कोई भी रिलीफ होगा, लेकिन यहाँ पर लगभग 4 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो आम मिडिल क्लास के लिए एग्जेम्पशन होगा। ये एग्जेम्पशन अलग अलग स्लैब्स में 5% से 10% इनकम टैक्स में फर्क आते हुए दिखाई पड़ेगा, जो खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है पिछले कई सालों के कंपेरिजन में बहुत बड़ा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई चीजों कर दीजिए कि मान लिया अभी कहा गया कि 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। लोगों का कहना यह भी है कि भाई पहले भी 7 लाख की जो इनकम थी वो टैक्स फ्री थी, तो पहले में और अब में क्या अंतर आ गया है? मान लिया किसी की सालाना आय 8 लाख रुपए या 7 लाख रुपए, तो किन किन प्रोविजन के तहत उसकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो टैक्स फ्री होगी रहेगी? अरविंद सर, आपसे नहीं, देखिए अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सारे एग्जेम्पशंस खत्म कर दिए गए थे, सिर्फ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता था जी। तो 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं था, और 50,000 रुपए उसमें आप और जोड़ लीजिए, 3.5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं था। अब ये बढ़कर के अगर न्यू स्कीम की हम बात करें तो लगभग 3.5 लाख रुपए का मिडिल क्लास के लिए सीधा फायदा है इसमें, और इसमें फॉर मोस्ट पार्ट करीब 5% का डिफरेंस आएगा। तो इतना टैक्स में करीब 12-15,000 रुपए का डिफरेंस टैक्स कम हो जाएगा आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए जी। अच्छा, ये हो गई टैक्स के संदर्भ में चर्चा। लॉन्ग टर्म फोकस्ड बजट आप इसे मानेंगे? हर एक वर्ग को प्रभावित, सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला बजट आप इसे मानेंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है जिस तरीके का विजन यहां क्रिएट करने की कोशिश की है, जिस तरीके का फोकस एनर्जी पे आ रहा है, जिस तरीके का फोकस स्टार्टअप्स पे आ रहा है, जिस तरीके का फोकस लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर 3 बनाने की बात की गई है जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावना क्रिएट करता है। टूरिज्म के लिए विशेष लोन का प्रावधान किया जा रहा है, आइकॉनिक सेंटर्स को स्टेट्स डेवलप करेंगे, जिसमें से आधी भागीदारी स्टेट करेंगे, आधी गवर्नमेंट इंडिया करेगी, एक रीजनेबल उसके लिए लोन भी स्टेट्स को देने की बात की जा रही है। तो मुझे लग रहा है लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, रूरल डेवलपमेंट, विमेन, स्टार्टअप्स, ये और एनर्जी, ये एक बहुत बड़ा फोकस है। मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है जी। जिस तरीके से मंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में एक वर्किंग पेपर देश के सामने लाया जाएगा, एक विजन डॉक्यूमेंट रादर लाया जाएगा, जिसमें हम विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है 2047 की, वो कैसे उसका रोडमैप क्या होगा ये सामने रखेंगे। वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा भी कि आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कर्तव्य काल का नाम दिया, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में चाहूंगा सर कि अपने दर्शकों को, आप हमारे दर्शकों को आप समझा दें कि किसको क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला है, जो किसान है उनको क्या मिला है, जो सैलरीड क्लास है उनको क्या मिला है, जो जो स्टार्टअप्स से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए क्या मिला है? देखिए, अभी जो विशेष रूप से मिला, जिसको आप कह सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो सर आपने म्यूट का बटन प्रेस कर दिया है शायद।
आवाज आनी बंद हो गई है? नहीं अब आ रही है। जो महिलाओं के लिए जो अब तक था लखपति दीदी योजना में जी, उसमें जो टारगेट था उससे बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया। अब तक 1 करोड़ टारगेट था, ऑलरेडी 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। अब इस टारगेट को बढ़ा करके एडिशनल 2 करोड़ कर दिया गया। तो ये महिलाओं के लिए डायरेक्ट जो बेनिफिट अभी तक दिखाई पड़ रहा है ये दिख रहा है। किसानों के लिए कुछ मेजर इंटरवेंशन जरूर आते दिखाई पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि उस तरीके का एलोकेशन इस बजट में नहीं किया जा सकता है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन खासतौर पर मत्स्य पालन में, मिल्क प्रोडक्शन में, यहां पर विशेष रूप से किसान निधि जैसी जो योजनाएं हैं इसमें इस तरीके का कमिटमेंट किया जा रहा है कि इसका एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। ये कुछ बड़े हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आपके पास लौटता हूं सर, आप तो इकोनॉमिक्स की निगाह से इसको देख रहे हैं, लेकिन लोग इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, जन सामान्य कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, किसान अन्नदाता कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? हमारे संवाददाता हिमांशु और उनके साथ मौजूद है अन्नदाता। हिमांशु, ओवर टू यू, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, यहाँ पर अभी निर्मला सीतारमण को सुना जा रहा था और हिंदी में जो अनुवाद वो हो रहा था वो सब सुन रहे थे यहाँ पर। और किसानों से ही अब मैं सीधे बात कर लेता हूँ बिना कुछ देरी की। अभी आप भी सुन रहे थे सारी चीजें कि क्या कुछ कहा गया है, कि किसानों को कैसे मजबूत करना है, कैसे मानते हैं इस बजट को? नहीं, बजट तो अच्छा है, बजट किसानों के लिए काफी फायदेमंद भी है। और सरकार ने सोची है बात को भी, किसानों को कुछ ना कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। बजट अच्छा, बस ये है कि जो सरकारी अमला है, अधिकारी लोग हैं, वो इस चीज पे ध्यान दें भाई, जरूरतमंद या जिनके लिए योजनाएं बनाई हैं वे वहां तक पहुंच जाएं। दुग्ध उत्पादन वाले किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, इनको ज्यादा थोड़ा आगे लाने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। किसानों के बारे में जो कहा है कि जो डेयरी उत्पाद से जुड़े हुए किसान है इनको भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो सबसे अच्छी बात है, दी जाएंगी तो सबसे अच्छी बात ये कहा जा रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। देखो, दूध का भी बहुत बड़े काम करने वाले किसान हैं, तो नेचुरली फायदा मिलेगा, सभी को फायदा मिलेगा, किसानों के साथ साथ सभी को। दूध से भी बहुत चीजें बनती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है सरकार। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर यही रहा है कि किसानों पर फोकस रहा है कि आने वाले वक्त में किसानों को ज्यादा मजबूत करना है, ये कोशिश रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये दूध के बारे में ऐसी बात है जी, किसान भैंस रखनी चाहता है, गाय रखनी चाहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सुविधा देती है ये अधिकारी लोग उस सुविधा को किसान तक नहीं पहुंचा पाते जी, देते ही नहीं है। बिल्कुल, सुविधा दे रही है। वहां लोगों से बात करें, मैं वापस आपके पास लौटूं। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य भी जुड़ चुके हैं, जिनके साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। श्वेता, ये वित्त मंत्री का अभिभाषण युवाओं ने सुना, जो उम्मीदें थी, जो चीजें मिली, वो उनकी वेवलेंथ मैच कर रही है आपस में? अनंत, आपको बता दूं कि युवा जो हैं वो सुन तो जरूर रहे, उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि शायद उनके लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ रहने वाला है, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो क्लासेस में चले गए हैं तो जो युवाओं के भविष्य को संवारते हैं, यानी कि प्रोफेसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ बैठे हुए थे, ये टाइम्स रन भारत पर बजट को सुन भी रहे थे, कैसे देखते हैं इस बार के इंटरिम बजट? मैं बजट को एक मजबूत बजट के तौर पर देखूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की बात की गई है, आम आदमी के लिए सोलर पैनल लगाने पर 300 यूनिट तक की बिजली फ्री की गई है, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की बात की गई है। हाँ, थोड़ी एक निराशा रही है, ऐसे लीड क्लास को के स्लैब को 7 लाख ही रखा गया, उम्मीद कर रहे थे कि फोर्स इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ATC की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, NPS की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वहां पर निराशा रही, लेकिन ठीक है। लेकिन ओवरऑल अर्थव्यवस्था को देखते हुए बजट काफी मजबूत बजट पेश किया गया। अगर युवाओं के हिसाब से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या कुछ मिला, अभी तो डिटेल्ड आना बाकी है, लेकिन जो कुछ भी अभी आपने सुना बजट में, उसको कैसे आंकलन आप करते हैं? देखिए, यदि आप युवाओं की बात करती हैं तो एक लॉन्ग टर्म की दृष्टि देखा जाए तो अभी स्टार्टअप के लिए 1 ईयर के लिए टैक्स एग्जम्पशन किया गया, और एक फिर से देव लॉन्ग टर्म देखते हैं तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्टार्टअप को लेकर के बात हो रही है और टूरिज्म को लेकर के बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी को लेकर बात हो रही है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एटलीस्ट वो युवा पर ही फोकस होता है, तो दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह का बजट जो है यूथ जॉब क्रिएशन के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए और फुल फ्लेज डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है बहुत कारगर साबित होगा। और इसीलिए गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि हम सोसाइटी को टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर सेक्टर में लागू करेंगे, एजुकेशन में लागू करेंगे, डिफेंस में करेंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी तरीके से ये यूथ और
ग्रोथ ओरिएंटेड बजट ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोफेसर ये कह रहे थे, लेकिन यहाँ सोनिया गांधी क्या इस बजट को वैसा मानती हैं जैसा सत्ता पक्ष बता रहा है? सोनिया गांधी की गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं, वो यहाँ पर रुकी, अब शशि थरूर भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या इसमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, इस पर हमारी निगाहें, आइए सुने शशि थरूर. One of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission, no reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. ये शशि थरूर को आपने सुना, जिन्होंने की अपने बात की शुरुआत ही की कि अब तक का सबसे बजट का सबसे छोटा भाषण ये रहा है, और बहुत आशावान वो नहीं है इस बजट को लेकर के. लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले जुड़ चुके हैं. मकरंद, अभिभाषण के बाद लोगों के रिएक्शन सामने क्या है उसमें? हेलो, मैं कुछ सवाल करूंगा, बस उसका जवाब दे देना आप. मकरंद, आपको आवाज आ रही है? मकरंद काले अभी शायद उनका फोन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे साथ अब एक बार फिर से कपूर साहब जुड़ गए हैं, जिनसे हम टैक्स को लेकर चर्चा कर रहे थे, और डॉक्टर एस के दत्ता भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं. ये जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे योगेंद्र कपूर साहब, क्या ये मिडिल क्लास किस तरीके से ले? मिडिल क्लास हमेशा थोड़ा सा वो ये सोचता रहता है कि अब हम इसको कान को घुमा के पकड़े, सीधे पकड़े, कैसे में हमको संतोष मिलेगा, ये क्या स्थिति है इस बार? देखिए, मैंने बजट अनाउंस होने से पहले भी यही कहा था कि इस बार जो है इंटरिम बजट में ज़्यादा मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. सिर्फ एक एरिया जो था जिसको मैं फील करता था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, वो जो है एक 50,000 से बढ़ा के अगर 1,00,000 गवर्नमेंट कर देती तो उसमें मेरे हिसाब से इतना कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस रेवेन्यूज़ के ऊपर जो है फ़र्क पड़ता. एक चीज़ को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स में बिलीव नहीं करती है, और ऑन द कॉन्ट्ररी एम्पावरमेंट में बिलीव करती है. अगर आज हम नेट रिजल्ट भी देखें इकोनॉमी के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो इस तरीके से लिए गए हैं कि लोगों को के अंदर जो है एक एक ऐसी एबिलिटीज जनरेट करें कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है डेवलप हो, और उसका नेट रिजल्ट. मतलब ये कि नौकरियां तलाशिए मत, नौकरियां आप देने वाले बनिए. ये जो स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं? ये मकरंद काले हमारे साथ मौजूद है, देखिए मध्य प्रदेश से, वहां किस तरीके से देखा गया बजट? अब जाहिर है उनको ये मालूम होगा कि ये तो वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन फिर भी इस बजट को लेकर रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं? देखिए, बजट को लेकर लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बजट से कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं. सर, टैक्स लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, फिर भी बजट से देखा नहीं है अभी मैंने. क्या उम्मीद थी बजट से? किसी तरह की उम्मीद थी आपको? टैक्स लेवल में कोई बदलाव नहीं है, नौकरियाँ देने वाला ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा प्रमोट किया गया है क्या? सर, एंटरप्रेन्योरशिप को तो वैसे ही प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जॉब्स तो मार्केट में है नहीं. जैसे हमारे जैसे अगर कोई बीटेक कर लिया है, बीटेक कंप्लीट कर लिया, अगर मार्केट में जाता है जॉब हिट लगती है, तो ऑन एन एवरेज 10,000 से 15,000 रुपये की जॉब लगती है, उनमें कुछ बचत तो होता नहीं है. तो अगर स्टार्टअप को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सरकार के अंदर भी, मैंने देखा था बहुत सारा स्टार्टअप को ज़्यादा फंडिंग भी सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो रही है, तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदा है. बट यही है कि एजुकेशन भी उस तरह का स्किलफुल होना चाहिए कि बंदा जब डिग्री लेके निकले तो खुद का कोई स्टार्टअप करे, उसका कुछ आइडियाज होगा, कि एजुकेशन तो स्किलफुल है ही नहीं. धड़ियावासा मतलब कहते ना, हर दिन नए नए कॉलेज खोले. को लेकर आपको लग रहा था कि कुछ चेंजेस? ठीक है सर, अभी जो भी आया है सर, क्योंकि जो ना अभी तो क्या बोलते हैं ना, यही होना चाहिए कि सर जो ना टैक्स पेयर को लेकर जो चीज़ें हुई है सर, मेरा ये मानना है कि सर जो GST वाला केस है ना सर, उस पर थोड़ा ध्यान सरकार को ध्यान देना चाहिए, कि हर जगह छोटी छोटी जहाँ पे GST ना होना चाहिए वहाँ पे भी GST लगा के रखा सरकार ने, वहाँ से अगर हट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा.
ये वो आकांक्षाएं भी हैं मकरंद जो कि पूरी होती हुई नहीं दिखी है, और ये उम्मीदें भी हैं जो कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होती हुई बजट के सारे लोगों को नहीं दिखी, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि लोगों की बेहतरी के लिए हैं। लेकिन इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा देते हैं। दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति और विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एशिया में नहीं लेकिन विश्व पटल पर आज पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर चुकी है। दसवें नंबर पे थी, 3 साल में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी। हमारी महिला, नौजवान, युवा और हमारे किसान को नई ऊर्जा और नया स्रोत देने का कार्य के लिए संकल्पित ये सरकार है, और भारत एक आत्मनिर्भर भारत, भारत एक विकसित भारत और भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। तो ये हर कोई आप देख रहे हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से इसको देख रहा है वो यही बता रहा है कि ये दूरगामी है, यही बता रहा है कि इसमें विजन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देख रहे हैं जहां अभी शशि थरूर ये कह रहे थे कि इसमें रेटरिक आपको सुनने को मिले, इसमें आपको होप और कॉन्फिडेंस जैसी बातें सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन इसको करने के लिए किया क्या जाएगा इसको कोई विशेष रोडमैप दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आमजन इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ज्योति मिश्रा के पास चलें, उनसे जान लें और उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास आते हैं। श्वेता भट्टाचार्य, श्वेता भट्टाचार्य, ये जो आप लोगों से बात कर रही हैं, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव? दिनेश देखिए, मैंने स्टूडेंट से बात की और स्टूडेंट्स ने अलग अलग बताया कि किस तरीके से उन्हें बजट से क्या उम्मीद है, लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स को राह दिखाते हैं प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है और ये टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे साथ बजट को सुन रहे थे। अजीत जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? थोड़ी निराशा शायद आपको हुई? जी थोड़ी नहीं, ज्यादा। हाँ। देखिए वैसे तो हम लोग मान के चलते हैं कि चुनावी साल है, उस साल कुछ सरकार को जरूर करेगी हम लोग के लिए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे खर्च जरूर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आमदनी कुछ नहीं बढ़ा। ऑलरेडी टैक्स में तो कुछ बेनिफिट नहीं ही मिल रहा था, साथ में हमें था कि नहीं चलो टैक्स स्लिप नहीं मिल रहा, होम लोन में कुछ राहत मिलेगा, उसमें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन मिडिल क्लास के लिए आवास योजना की बात हुई है। मैडम आवास तो उनको निकम्मे आप कर रहे हो ना, किसान को आप कर रहे हो कि अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मदद करो, उनको फ्री में इंश्योरेंस कर दो कि जिससे उनके किसी अगर फसल खराब होता हो तो सरकार उसको बैकअप दे, उस तरह का आपने कुछ नहीं। लग रहा है कि चुनावी बजट उम्मीद करके बैठे थे, हालांकि ये एंट्रिम बजट होता है दिनेश, लेकिन उम्मीद यही थी कि शायद लोक लुभावन वादों है। बिल्कुल श्वेता, ये उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव हो या फिर किसानों को सीधा फायदा मिले, वैसा कुछ होता हुआ लोगों को नजर नहीं आया। लेकिन इसी बीच लोगों की तो प्रतिक्रिया ये है, लेकिन सरकार को कैसे देख रही है आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद से जब बात के बारे सहयोगी अमित कुमार ने, उनका क्या कहना रहा। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, एक जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में उम्मीदों वाला बजट है, लग रहा है कि इंतजार है कि जो भी बड़े फैसले होंगे, बड़े फैसलों से बचा गया, लेकिन एक कन्वेंशन है और आपको हमारी जीत में कोई संदेह है क्या? तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भाजपा एनडीए और ऐतिहासिक बहुमत जीतेंगे। जनता को भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी सरकार की नीति नियत पर। आज एक बहुत बड़ी बात की गई, सामाजिक न्याय सिर्फ नारा नहीं, छलावा नहीं है, सामाजिक न्याय प्रामाणिक डिलीवरी, गुड गवर्नेंस। तो ये बहुत पॉपुलिस्ट लोक लुभावन नहीं, क्योंकि जीत को लेकर कहीं कोई संदेह ही नहीं। आगे चर्चा और विश्लेषण जारी है, किसको क्या मिला। बाजार में कई